स्टूडेंट्स नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा संवाद के रूप में शिक्षक की भूमिका, यानी कि हम कहें कि पाठ्यक्रम में जो ज्ञान दिया जाता है, हम जो ज्ञान का निर्माण करते हैं उसमें शिक्षक की भूमिका एक संवाददाता के रूप में होती है जो कि हमें ज्ञान प्रदान करता है। हम ये देखते हैं कि शिक्षक, हम ये मानते हैं कि शिक्षक हमारे विद्यालय में, लेकिन हम ये भी चीज मानते हैं कि हमारा जो विद्यालय है, जो समाज है, वो हमारी हमारे विद्यालय से पहले हमारी प्रथम पाठशाला होती है और उसमें हमारे माता पिता, जिसे हम कहें कि माँ हमारी प्रथम गुरु है, तो वो भी हमारी एक शिक्षिका हुई। तो इसी चीज में कही गई है कि ज्ञान के निर्माण में हमारे शिक्षक की जो संवाददाता के रूप में जो भूमिका होती है उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि जब हम समाज को, परिवार को और विद्यालय को, जहाँ विद्यालय से हम शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं और परिवार में हम अपने माता पिता से ज्ञान प्राप्त करते हैं और समाज में हम हमारे आस पड़ोस, हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार, इन लोगों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम यह देखें कि हमारे ज्ञान की दो श्रेणी हो गई है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक ज्ञान कौन सा हो गया हमारा, जो हम विद्यालय से प्राप्त करते हैं, और अनौपचारिक कौन सा हो गया, जो हम विद्यालय से बाहर प्राप्त करते हैं, यानी कि हमारे परिवार से और हमारे समाज से। तो वही आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम किस तरीके से शिक्षक एक संवाददाता के रूप में छात्र की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का वो निदान करते हैं और किस आधार पर वो औपचारिक ज्ञान की व्यवस्था करते हैं जो विद्यार्थियों को प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम जो आज चर्चा करेंगे वो हम इसी आधार पर करेंगे कि ज्ञान की श्रेणी दो है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो जो औपचारिक है, विद्यालय से प्राप्त ज्ञान जो हम विद्यालय में रहकर प्राप्त करते हैं, शिक्षक से प्राप्त करते हैं, उन ज्ञान का मैं आज वर्णन करूंगी। और अनौपचारिक ज्ञान जो कि हम विद्यालय से बाहर से प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम ये कहें कि जो हम छात्र के विभिन्न विकास होते हैं उनका किस तरीके से, किन किन माध्यमों से जो शिक्षक इसका शिक्षण करवाते हैं और किन किन माध्यमों के द्वारा शिक्षा का स्तर को ऊंचा करते हैं, छात्र के जो मानसिक स्तर है उसको ऊंचा करते हैं, तो वो जो संवाददाता के रूप में संवाद, जो कहते हैं ना कि हम जब कोई चीज तैयार कर रहे हैं बोलने के लिए या उसे प्रेजेंट करने के लिए, उसके प्रस्तुतिकरण के लिए, तो हमने ये चीज देखी है कि जो संवाददाता होते हैं अगर हमारा उनका जो महत्वपूर्ण स्थान होता है उसके बराबर किसी का नहीं होता। जो संवाद यानी बोलने का जो तरीका होता है वो हमारी इस प्रक्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है और प्रभावी बनाती है। कहते हैं कि हमारे कार्य को जितनी महत्वपूर्ण बना सकते हैं वो संवाददाता स्वयं बनाते हैं कि किस तरीके से उन्हें इसे एक प्रभावी बनाना है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं औपचारिक ज्ञान यानी संवाद का, जो है संवाद के रूप में शिक्षक की भूमिका, तो यहाँ हम कौन से शिक्षक की बात कर रहे हैं, विद्यालय वाले शिक्षक की, जिसे हम कहते हैं विद्यालय ज्ञान या विद्यालय ज्ञान या औपचारिक ज्ञान। औपचारिक ज्ञान जो हम विद्यालय से प्राप्त करते हैं, तो यहाँ हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो बिंदु है हमारे औपचारिक ज्ञान की, यानी कि जो हम विद्यालय में रहकर प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है प्रारंभिक संवाद, यानी हम देखते हैं कि शिक्षक जब हमारी कक्षा में या हमारे जो कक्षा में प्रारंभिक संवाद के अंतर्गत हमसे वार्तालाप करते हैं और उनका प्रारंभिक संवाद क्या होता है, हमारा सामान्य ज्ञान यानी सामान्य ज्ञान को वो हमसे साझा करते हैं, ये भी कि वो हमारा परिचय लेके साथ में जो विषय वस्तु वो लेकर आते हैं उसके बारे में वो हमसे सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं और सामान्य जानकारी देते हैं। तो ये जो प्रारंभिक संवाद होता है प्रस्तुतिकरण का, अपने विषय वस्तु के जो विद्यालय में शिक्षक प्रस्तुतिकरण करता है, सबसे पहला अगर हम देखें तो उसका सबसे पहला
प्रारंभिक संवाद होता है जो कि हमारे सामान्य ज्ञान को सामान्य ज्ञान की जानकारी होती है और जो हम नवीन ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं उसको आगे विकसित हमारा प्रारंभिक संवाद करता है। क्योंकि जब तक हमें सामान्य ज्ञान उस विषय के वस्तु के बारे में अगर हमें सामान्य ज्ञान पता नहीं होता है तो हम उसके बारे में हम जो नवीन ज्ञान लेने जा रहे हैं वो नवीन ज्ञान हम उतना अच्छा ग्रहण नहीं कर पाते। तो अगर हमें हमारे नवीन ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमें हमारे सामान्य ज्ञान का, जो कि हम सामान्य ज्ञान उस विषय वस्तु के बारे में ले रहे हैं उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इस भूमिका का जो संवाद निर्माण है वह संवाद के माध्यम से करते हैं तथा छात्रों में इस प्रारंभिक संवाद के द्वारा हम क्या करते हैं, रुचि जागृत करते हैं, उस नवीन ज्ञान के प्रति इंटरेस्ट जागृत करते हैं। क्योंकि जब तक सामान्य ज्ञान प्रारंभिक संवाद के रूप में जब तक सामान्य ज्ञान की जानकारी नहीं होगी, जिस विषय वस्तु को वो नहीं समझेगा, उसकी प्रीवियस नॉलेज उसे नहीं पता होगी, तब तक वो नवीन ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएगा। अगर ग्रहण भी करेंगे छात्र उसमें तो वो इंटरेस्ट न लेते हुए उसे क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम देखें कि छात्रों में रुचि जागृत करने के लिए और नवीन ज्ञान को आगे की ओर विकसित करने के लिए हमें प्रारंभिक संवाद की आवश्यकता होती है। तो शिक्षक पहली भूमिका इसमें कौन सी निभाते हैं, प्रारंभिक संवाद के द्वारा, यानी कि जिनका शुरुआत प्रारंभ करना। फिर हम देखें कि एक मैंने टॉप पॉइंट अपना नीचे लिख दिया है लेकिन मैं इसे ऊपर लिखना चाहूंगी। प्रारंभिक संवाद के बाद में वो क्या करते हैं, अपने पाठ का वितरण करते हैं, पाठ वितरण संवाद। यानी कि प्रारंभिक संवाद जब नवीन ज्ञान हमारा हुआ तो इस संवाद के द्वारा शिक्षक क्या करते हैं, अपने पाठ के निर्माण का, और वो क्या करते हैं, पाठ निर्माण करते हैं, साथ में छात्रों में उसका प्रसार करते हैं, यानी कि जिसमें वो व्याख्या करते हैं, पाठ का वितरण करते हैं, प्रत्येक बच्चों को उस ज्ञान का प्रसार करते हैं कि कौन सा टॉपिक वो पढ़ाने जा रहे हैं। प्रारंभिक ज्ञान में हम उसकी केवल चर्चा करते हैं, प्रारंभिक संवाद में हम बताते हैं और प्रीवियस नॉलेज जानते हैं। लेकिन सेकंड जब हम पाठ का वितरण करते हैं तो पाठ का वितरण करने में वो छात्रों को उन्हें ये ध्यान में रखना होता है कि मैं ऐसा अपने पाठ का वितरण अर्थात उनके जो ज्ञान का प्रसारण है उस विषय वस्तु का वो ऐसा प्रसारण करे कि वो सभी छात्रों में समान रूप से उसका वितरण कर सके, अर्थात उन्हें तीनों श्रेणी के छात्रों को साथ लेकर या उनके बारे में सोचकर उनको मद्देनजर रखते हुए और उसके बाद में उन्हें अपने पाठ का वितरण करना चाहिए। तो सेकंड जो होती है शिक्षक की भूमिका वो होती है पाठ वितरण। कहते हैं कि पाठ वितरण करना शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि जब प्रारंभिक संवाद में वो उसकी छात्रों की नॉलेज सामान्य ज्ञान के बारे में उन्हें पता चल जाता है तो उसके बाद में वो जब पाठ का वितरण करते हैं तो उन्हें वो ही ज्ञान, उन्हें ये उस ज्ञान से उन्हें जहाँ छात्रों के स्तर का पता चलता है और उसी स्तर को ध्यान में रखते हुए अपने पाठ का वितरण करते हैं। फिर आता है स्तर अनुकूल ज्ञान। जब प्रारंभिक संवाद में सामान्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पाठ वितरण कर रहे हैं, तो पाठ वितरण का मैंने बताया था कि शिक्षक अपने बच्चे जो छात्रों को जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान को किसके अनुसार देंगे, उनके स्तर अनुकूल, यानी कि उनकी मानसिक योग्यता, उनकी शारीरिक योग्यता, ये सब चीजों को वो ध्यान में रखते हुए और वो अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है। वो अपना एक स्तर रखते हैं कि हमें किस तरीके से अपने स्तर अनुकूल ज्ञान का उनका वर्णन करना है, उन्हें ये हमें उसमें आता है। विभिन्न विभिन्न जो कहते हैं ना, छात्रों के सबके मानसिक स्तर, आईक्यू उनकी, बुद्धि उनकी सबकी अलग होती है, तो हम कहते हैं कि स्तर हम देखें यहाँ पर कि अगर हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ हम कक्षा स्तर के लिए भी जानकारी कर सकते हैं कि हम कक्षा स्तर को देखते हुए शिक्षक अपने पाठ नियोजन की तैयारी करता है, उसका वितरण करता है। हम देखें यहाँ पर स्तर अनुकूल
कक्षा के बच्चों को हम व्याख्याओं के माध्यम से समस्या समाधान के द्वारा प्रश्न पूछकर डायरेक्ट हम नहीं पढ़ा सकते, उन्हें हम देखते हैं कि उनके लिए हम खेल विधि लेते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग उनके स्तर के अनुसार उनको कहानी सुनाकर उनको इस तरह से हम उनका इंटरेस्ट जागृत करते हैं। तो वो क्या है, उनके स्तर के अनुसार, यानी कि हम कक्षा स्तर देखकर शिक्षक ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर हम देखें कि हम बड़े बच्चों के लिए उनके स्तर के अनुसार ज्ञान देते हैं, तो इसमें वही चीज बताई गई है कि स्तर अनुकूल वो ज्ञान देते हैं शिक्षक। फिर है हमारा औपचारिक ज्ञान की व्यवस्था। विद्यालय से हमें जो प्राप्त ज्ञान होता है वो हमारा औपचारिक ज्ञान है। हम कहते हैं कि औपचारिक ज्ञान हम किसी संस्था से प्राप्त करते हैं, चाहे विद्यालय हो, क्योंकि वो भी एक संस्था, वो एक संस्थागत ज्ञान होता है। तो हम मानते हैं कि औपचारिक ज्ञान है तो उसके लिए हमारा एक समय निर्धारित होता है। यहाँ पर शिक्षक क्या करते हैं कि अपने विषय का एक समय सारणी तैयार करते हैं और उस समय सारणी के अकॉर्डिंग बच्चों को ज्ञान देते हैं, क्योंकि औपचारिक ज्ञान अगर बच्चा ले रहा है तो औपचारिक ज्ञान लेने के लिए उसे अपने समय का ध्यान रखना रहेगा, समय पर वो विद्यालय आएगा और जो समय सारणी के अनुसार विभिन्न विभिन्न विषयों की जो कक्षाएं चलती हैं उसे उन कक्षाओं को अटेंड भी करना पड़ेगा। जैसे हम कहें कि हमारी गणित विषय की अलग व्यवस्था है, हिंदी विषय की हमारी अलग व्यवस्था है, तो यहाँ पर वही औपचारिक ज्ञान की व्यवस्था की जाती है समय के अनुसार और अपने विषयों का विभाजन कर दिया जाता है। तो कहते हैं कि शिक्षक हमें एक औपचारिक ज्ञान की, औपचारिक ज्ञान में एक अहम भूमिका निभाते हैं और हमें औपचारिक ज्ञान की व्यवस्था करवाते हैं। फिर है हमारा प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षक का जो सिखाने का होता है, कहते हैं शिक्षक जो अधिगम करवाते हैं, सिखाते हैं, उनका एक सिखाना सिखाने की प्रक्रिया भी प्रभावी होनी चाहिए। सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका जब तक उनकी अधिगम में प्रभावी नहीं होगी तब तक जो विद्यार्थी है वो अपना पूरी तरह से वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो शिक्षण प्रक्रिया करवा रहे हैं उसमें शिक्षक को जो अधिगम प्रक्रिया है वो एक प्रभावी बनानी रहेगी। हम कहें कि विभिन्न विभिन्न जिन चीजों का वो प्रयोग करे बच्चों को सिखाने के लिए, अगर हम देखें कि बच्चे जिस विधि के द्वारा, जिस सामग्री से, जिस क्रिया में वो ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं बच्चों को वही अपनानी चाहिए। यानी कि जो हमारे कहते हैं हमारे शिक्षक हैं उन्हें अधिगम प्रक्रिया करवाने में ऐसी प्रक्रिया अपनानी होगी जो कि बच्चों को प्रभावी बनाते हैं। यानी कि उनको अधिगम, अगर हम अधिगम प्रक्रिया हम बच्चों को करवा रहे हैं वो अधिगम प्रक्रिया उन्हें एक रुचिपूर्ण बनानी होगी। जी रुचिपूर्ण तब कब बनेगी, जब हमारे शिक्षक इस चीज को अनुभवशील होंगे। तो यहाँ हम कहें कि अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को एक अनुभवी होना चाहिए, जिससे कि वो जो प्रक्रिया उनको अधिगम करवाने की बच्चों को है उसमें बच्चे रुचिपूर्ण तरीके से भाग ले सके और उसे एक प्रभावी बना सके। फिर है हमारा अधिगम सामग्री का प्रयोग। जब टीचर पढ़ाते हैं तो हमने देखा है विभिन्न सामग्रियों का वो प्रयोग करते हैं, विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें अधिगम सामग्री कौन सी हो गई हमारी शिक्षण अधिगम। हम कहें चार्ट, मॉडल, हम जो भी सामग्री काम में लेते हैं, तो उसमें कहते हैं कि जब शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं और शिक्षक एक संवाददाता के रूप में है तो उन्हें अपनी सामग्रियों का जरूर से जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हें ऐसी सामग्रियों का चयन करना है जो हमारे विषय वस्तु से संबंधित भी है और विषय वस्तु से संबंधित होने के साथ साथ बच्चों को एक रुचि प्रदान करने के लिए भी है, बच्चों में इंटरेस्ट जागृत करने के लिए है। साथ में जो विषय वस्तु हम क्लियर कर रहे हैं, जो विषय वस्तु हम समझा रहे हैं उसे समझने में अधिगम सामग्री पूरी तरह से सहभागिता होनी चाहिए, उससे संबंधित होनी चाहिए और जिससे कि बच्चों को जल्दी से जल्दी समझ में आए। हम देखें अधिगम सामग्री में हम बहुत ही इंटरेस्टेड चीजें काम में ले लेते हैं, चार्ट, मॉडल। कई बार यह होता है कि शिक्षक हमारे अधिगम को और रुचिपूर्ण बनाने के लिए हमें उस चीज के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान भी देने की कोशिश करते हैं और प्रत्यक्ष ज्ञान देने के लिए हमें उस चीज का प्रत्यक्ष
उसका उसे प्रत्यक्ष दिखाई का प्रत्यक्ष रूप दिखाई दिखाया जाता है। तो इस तरीके से इसमें वो अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है कि जो शिक्षक होते हैं संवाददाता के रूप में, तो उस संवाद में बोलने में उनकी एक जो उनकी अधिगम सामग्री होती है, उन अधिगम सामग्रियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि कहते हैं कि विषय वस्तु का जब हम ज्ञान दे रहे हैं और हमने उचित सामग्रियों का प्रयोग अगर उसमें हम नहीं करते हैं तो वो शिक्षण हमारा अप्रभावी रहेगा, ना उसमें बच्चों को वो इंटरेस्ट जागृत होगा जिससे कि बच्चे ले सके, और ना ही बच्चे अपने उस विषय वस्तु को पूर्ण तरीके से उसका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर है हमारा विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग। हम सामग्रियों का प्रयोग करते हैं तो हमें पता है कि जब हम बच्चों को टीचिंग करवाते हैं तो हम महत्वपूर्ण विधियों का उसमें प्रयोग करते हैं। हम विधि नई नई विधियों का इसमें प्रयोग करते हैं, और विधियों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और किस तरीके से करते हैं। विधियों का प्रयोग हम बच्चों के स्तर अनुकूल करते हैं, कक्षा स्तर के आधार पर हम बच्चों के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग लेते हैं। हम कहें छोटे बच्चों को हम कहानी, नाटक, कविता इसके माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, वहीं हम जहां उच्च जो बच्चे उच्च प्राथमिक विद्यालय के या कहें हम उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं उनको हम विधियों के माध्यम से, यानी कि हम कहें कि उनके सामने समस्या है तो हम समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, हम इन विधियों के माध्यम से किसी टॉपिक को समझाकर उनसे प्रश्न पूछकर तो हम इन सब विधियों का उसमें समावेश करते हैं। तो इसमें कही गई है कि हम एक विशेष प्रकार की शिक्षण विधियों का इसमें प्रयोग करते हैं। शिक्षक जो कि एक संवाददाता के रूप में होते हैं, वो जब अपने टॉपिक के बारे में बोलते हैं, समझाते हैं, तो उसके बारे में वो इन चीजों का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। फिर है विशेष पाठ्यक्रम व्यवस्था, यानी कि विशेष पाठ्यक्रम में वो चीज आती है जब कई बार हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं तो बच्चे कई ऐसे विषय होती हैं जिन्हें बच्चे पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते, या हम कहें कि विशेष पाठ्यक्रम हमारे साथ में एक पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में भी हो जाते हैं। यानी कि वो जो बच्चों को हम पाठ्यक्रम के साथ साथ उनके लिए हम अन्य गतिविधियां भी उनको करवाते हैं, तो उसके लिए हम एक विशेष व्यवस्था करते हैं। विशेष व्यवस्था क्यों करते हैं हम, क्योंकि हम बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं उसके बाद में हमें एक विशेष पाठ्यक्रम व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें हम ये देखें कि अगर बच्चे किसी और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा नहीं ले रहे तो हमें उसके बारे में समझाएं, या हम कहें किसी अपनी जो एक विषय है जिस विषय में बच्चे वीक हैं हम उसके लिए एक अलग पृथक व्यवस्था करते हैं, जहां हम जो जिस विषय को बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए हम वो स्थान उपयोगी स्थान की व्यवस्था करते हैं उनके लिए उस पाठ्यक्रम की, और बच्चे वहां पर उस चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर है चिंतनशील संवाद। हमारे जो शिक्षक होते हैं जब बच्चों से प्रश्न पूछते हैं या उनसे उनको किसी टॉपिक के बारे में समझाते हैं, कहते हैं कि विद्यार्थी जो शिक्षक हैं वो छात्र के अंदर एक चिंतनशील प्रगति का विकास करते हैं। क्योंकि जब तक बच्चे सीखेंगे नहीं, मन से उस चीज को सोचेंगे नहीं, तो वो चिंतन नहीं करेंगे। यहाँ पर चिंतनशील कब बनेंगे विद्यार्थी, जब शिक्षक उनके साथ तर्क वितर्क करना शुरू करेंगे, वो अपने विषय वस्तु में इतना बच्चों को कहते हैं ना इतना इंटरेस्ट रुचिपूर्ण बना देंगे, और उसके बाद में एक उनके अंदर एक चिंतनशील बुद्धि का विकास होता है और बच्चे उसको गहराई से सोच समझकर और बच्चे उसमें चिंतन करते हैं। फिर यहाँ पर सोचकर, क्योंकि जब तक जो एक संवाददाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है और छात्र के अंदर वो एक चिंतनशील बुद्धि का अगर विकास नहीं करेंगे, जब तक हमारे जो पाठ्यक्रम को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस टॉपिक को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे उस चीज को नहीं समझेंगे। क्योंकि जब तक वो गहराई से सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो बच्चे उसके बारे में जानेंगे भी नहीं। इसीलिए एक चिंतनशील संवाद के रूप में वो उभर कर सामने आते हैं, विद्यार्थियों को चिंतनशील बनाते हैं, जिससे बच्चे छात्रों से तर्क वितर्क करते हैं, जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि बच्चों को अपने आप इस चीज के लिए सोचे, बच्चा उसका आंसर देगा
तो वो सोचेगा, चिंतन करेगा, इसीलिए ये चिंतनशील के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। फिर है प्रत्याशित संवाद यानी कि प्रत्यक्ष संवाद के रूप में। हमने देखा पहले भी कि शिक्षक हमें कई बार प्रत्यक्ष ज्ञान देने के, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव भी करवाते हैं, तो वो हमारे सामने एक प्रत्यक्ष प्रत्याशित के रूप में, उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिससे कि वो प्रत्यक्ष दिखाकर हमें उस ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि शिक्षक हमारा एक प्रत्याशित संवाद के रूप में भी होते हैं। आलोचनात्मक संवाद, हमने देखा शिक्षक जब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो जो आलोचना मीन्स जो वो उनके अंदर कमी निकालते हैं, तो अगर वो कमी नहीं निकालेंगे वो एक आलोचनात्मक संवाद के रूप में भी उभर कर सामने आते हैं, क्योंकि अगर उन्हें अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना है, बच्चों को उसमें उस ज्ञान की प्राप्ति करवानी है, तो उन्हें आलोचनावादी होना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक वो बच्चों की आलोचना नहीं करेंगे तब तक बच्चों को उसकी कमी के रूप में पता नहीं चलेगा। तो शिक्षक को एक आलोचनात्मक संवाद के रूप में भी सामने आता है, क्योंकि अगर बच्चों को अपनी कमी के बारे में नहीं होगा तो बच्चे उस ज्ञान को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करेंगे। यहीं पर यहाँ जैसे चिंतनशील में होता है, उसी तरह से आलोचनात्मक में बच्चे अपने जो शिक्षक हैं उनसे यहाँ तर्क वितर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ जब आलोचनात्मक रूप में बच्चे कुछ कमियां शिक्षक निकालेंगे छात्रों में, और कुछ कमी छात्र भी शिक्षक में निकाल सकते हैं, छात्र कुछ प्रश्न पूछकर अपनी कमी को दूर कर सकते हैं। फिर है छात्र के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था। हमने देखा था कि जब बच्चों की जो शिक्षा है हमारी आज की, वो है बच्चों की सर्वांगीण विकास, तो हमारे जो शिक्षक होते हैं वो हमें जहाँ ज्ञान प्रदान करते हैं तो उस ज्ञान का हमें किस रूप में प्रयोग करना है आगे, जो हमारे लिए हमारे ज्ञान हमारी आजीविका के रूप में हमारे सामने आ जाए, जिसका हम कहें कि जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से हमारी प्रगति कर सके। तो यही सर्वांगीण व्यवस्था कौन करते हैं? शिक्षक, क्योंकि शिक्षक हमें वो चीज बताते हैं कि हमें जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं उस ज्ञान को हमें किस तरीके से हमारे लिए हमारे एक सर्वांगीण विकास में सहायक बनेगा। ये हमारे आज की जो टॉपिक था कि संवाद के रूप में शिक्षक की भूमिका, मैंने बताई थी आपको कि शिक्षक हमारे दोनों हैं, हम ये कहें कि समाज और परिवार में भी हमारे शिक्षक होते हैं और विद्यालय में भी। तो विद्यालय का हम कहें तो ये हमारे एक औपचारिक ज्ञान की श्रेणी की पाठ्यक्रम में हमने इनका वर्णन किया है आज, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगी वो एक अनौपचारिक शिक्षक के रूप में भूमिका बताऊंगी, कि अनौपचारिक रूप में भी शिक्षक की क्या भूमिका होती है, क्योंकि अनौपचारिक जो शिक्षक हैं वो शिक्षक हमारे परिवार और हमारा समाज ही होता है। धन्यवाद।